प्रॉब्लम नंबर 17, आइए देखें क्या है। 17 क्वेश्चन बेटे जो है, द सन अपियर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, दिस इज ड्यू टू द मोर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू देन रेड, मोर स्कैटरिंग ऑफ रेड देन ब्लू, नॉट ड्यू टू स्कैटरिंग एंड एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बेटा बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये ऑप्शन बनेगा, बिकॉज आप जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट अकॉर्डिंग टू द रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ये आपका बेटे इनवर्सली फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे यूज करता है। और अब बिकॉज आपको एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट, आपका जो लाइट है बेटा, जो डिस्टेंस से आपके पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच रहा है, वो डिस्टेंस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा आपका रेड कलर ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग लीस्ट वेवलेंथ इन मैथमेटिकल टर्म्स, उसका आपका वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से स्कैटरिंग कम होगा, वो एक छोटे से पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड रहेगा और हमें काफी ज्यादा दूर से ही आपका जो रेडिश कलर है अदरवाइज भी दिख जाता है। और कई बार ओवल शेप की बात करते हैं वो, कि ओवल शेप का क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू द अनइक्वल, बेटे ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल रिफ्रैक्शन सफर्ड बाय द रेज कमिंग फ्रॉम द डायमेट्रिकली टॉप एंड बॉटम ऑफ द सन। डायमेट्रिकली टॉप से और बॉटम से जो दोनों रेज आ रही हैं वो बराबर अमाउंट में रिफ्रैक्शन सफर नहीं कर रही है, उसी वजह से आपका जो सन है वो परफेक्टली स्फेरिकल ना दिखकर थोड़ा सा हमें फ्लैटेंड दिखता है एट दैट टाइम। बिफोर आई कम अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी वन फ्रॉम योर साइड बेटा, अगर हमें इंटेंसिटी डिफाइन करना पड़ जाए, हाउ वी कैन डिफाइन दिस बेटा इंटेंसिटी, बेटा सिंपल वर्ड इंटेंसिटी में लाइट या कोई और बात नहीं कर रहा हूं, सिंपली आप इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? अमाउंट ऑफ, बैठिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर कोई बच्चा इसमें कोई एडिशन या इसको कम करना चाहता हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो मैं कहता नहीं, वैसे इंटेंसिटी वर्ड बोला है मैंने। आप हाँ? आप बोल दीजिए। वेरी गुड, आपकी बात सबकी बच्चों की ठीक है, लेकिन बेटे मैं मैथमेटिकल टर्म्स में आपका आंसर चाहता था कि हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप कितना डार्कनेस है, कितना डेंसिटी है वगैरह वगैरह आप कह सकते हैं। हाँ जी बता, थम्स अप फॉर यू, वेरी गुड। वो तो आपका रेले लॉ हो गया ना, नहीं वो ठीक है। लिसन लिसन लिसन, आप पीछे क्विकली विद इन मिनट, बेटा ध्यान दीजिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, इंटेंसिटी मे बी लाइट का हो मे बी किसी भी और चीज की इंटेंसिटी की बात करें आप, प्रेफरेबली आप लाइट के बारे में ही बात किया करते हैं। इंटेंसिटी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग ऑन द गिवन सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बेटा फिर से ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी फॉल कर रही है, मैथमेटिकल टर्म्स में इसको इंटेंसिटी कहते हैं, याद रखिएगा। इंटेंसिटी के इसमें
आपका एनर्जी का जूल्स में आ जाएगा, मीटर स्क्वेयर और सेकंड, ये वॉट हो जाता है, तो ये वॉट पर मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। राइट बेटे, इसका ध्यान रखिएगा, कई बार थोड़ा सा इसमें हमें रिलेटेड थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में इसकी जरूरत पड़ सकती है। यस बेटे, बेटे इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन द गिवन सरफेस, स्पेशली लाइट के केस में। देन प्रॉब्लम नंबर 18 आपका इसी सेट का है बेटा, आइए देखें इसको क्या है। 18th क्वेश्चन, व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास प्रिज्म, द लीस्ट डिविएटेड कलर इट इज रेड कलर। कल आपने बात कर ली थी, मैं दोबारा इसको नहीं बना रहा हूं। और मोस्ट डिविएटेड कलर इज वायलेट कलर। एक बात बेटे और याद रखिएगा, कई बार आपको ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जरूरत पड़ सकती है, रिलेशंस अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। आपका डेल्टा एंगल ऑफ डिविएशन जो होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, अगर कहीं जरूरत पड़े तो। नहीं तो काम वैसे पड़ेगी नहीं, पर फिर भी पता नहीं होता। और एक कॉची इक्वेशन कल आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, वो याद होगा आपको। और एक कई बार हमें बेटा हमारा जो प्रिज्म, सॉरी आपका ग्लास प्रिज्म की बात करें अगर, उसमें याद रखिएगा आई प्लस ई ए प्लस डेल्टा के बराबर है। कई बार एक चीज नहीं दी होती तो हमें थोड़ा सा वहां से हेल्प हो जाती है कि हम किस तरीके से उसको टैकल करें। देन बेटे 19th क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ ए कंकेव लेंस इज 5 डायोप्टर। 19th क्वेश्चन में कंकेव लेंस की पावर 5 डायोप्टर है, मैं नेगेटिव लूं के पॉजिटिव? वेरी राइट। एंड द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 3 डायोप्टर। कन्वेक्स की बच्चों जो है 3 डायोप्टर है, इसकी पॉजिटिव ही होती है। आपको बताना है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन P1 और P2 दोनों को ऐड कर देते हैं, -2 डायोप्टर आ जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 20, ट्वेंटीएथ क्वेश्चन बेटा, मैं रीड आउट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटे। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज डिक्रीज, इट विल समटाइम्स इंक्रीज समटाइम्स डिक्रीज, इट विल रिमेन सेम, डिक्रीज से इंक्रीज। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेंस है आपको दिया हुआ, छोटा सा मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये लेंस है बेटे, इधर ध्यान देना बच्चों, और ये आपके बेटे प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है। राइट बेटा, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जनरली 1 ही कहते हो और ग्लास का पुत्र आप 1.5 कहते हो, ठीक है। आपका रे बेटे, आप इधर आ जाइए, यस कम टू दिस साइड, हरी आप, आपका ये रे ऐसे जा रहा है और आपको आगे आने को बोला है, जल्दी आ जाओ। ये रे ऐसे आ रहा है बेटा, एयर से ग्लास में एंटर कर गया, रेयर टू द डेंसर मीडियम, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा दिस साइड। इसकी बाद में कर लेना, पहले काम कर लेना।
बच्चों आपके रेफरेंस के लिए मैं इस स्फेरिकल सरफेस को कंप्लीट कर रहा हूं, जिसका ये लेंस आपका एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बेटे, एक बार समझ लेना, कंसेप्ट समझ लेना। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उत्तर गुड़िया। आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा रे जब ये ग्लास में एंटर करेगा, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड करके इधर चला गया, ठीक है जी। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ये जो रे है आपका, बिकॉज ये रेयर टू डेंसर आ रहा, मैं जस्ट आपको इंडिकेट कर रहा था कि इसका पाथ कैसे होगा। तो अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा तो इट विल बी फोकस बिफोर द सेंटर ऑफ कर्वेचर अदर। अब आगे चलें, अगर आपने एयर को हटा दिया यहां से, आपने एयर की जगह पर अपना लेंस बकेट ऑफ वाटर में डिप कर दिया, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 नहीं रहा, 1.33 हो गया। और अगर ये 1.33 हो जाएगा तो आपका डिग्री ऑफ बेंडिंग, डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये मीडियम भी अब कम डेंस नहीं रहा, ये इसकी कंपैरेटिवली रेयर ही है, बट इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि ये अब उतनी रिफ्रैक्शन नहीं करेगा जितनी पहले कर रहा था। इट विल मीन दैट कि ये बेंड तो करेगा, अब थोड़ा आगे निकल जाएगा। सी को मैं यहां से हटा देता हूं। इट विल मीन दैट आपका जो रे एयर को यहां पे प्लेस करके यहां फोकस हो रहा था, जब आप पानी यहां पे रिप्लेस करोगे एयर को पानी से, ये यहां पे ना फोकस होकर आगे जा रहा है। इट विल मीन दैट आपके लेंस का फोकल लेंथ बच्चों बढ़ गया। ये नॉन मैथमेटिक, बेटे देखो कोई फायदा तो है नहीं फिर अगर आप ऐसे करोगे तो, मैं बंद कर देता हूं, आप अपना एंजॉय करो। सो ये बेटा एक इस चीज को समझने का नॉन मैथमेटिकल वे में तरीका है, अदरवाइज अगर आप मैथमेटिकल करेंगे फिर आपको लेंस मेकर फार्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाता है, उसमें कई बार गलती के चांसेस भी बन जाते हैं। आप प्रेजेंटली सिर्फ इतना माइंड में रखिएगा कि अगर आप अपने लेंस को एयर के कंपैरेटिवली किसी और डेंसर मीडियम में रख देते हो तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज द थिंग्स बेटा। देन 20th के बाद आपके पास बच्चों 21 नंबर प्रॉब्लम आ जाता है। आइए देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक द लेंस। सिंपल है, जो मीडियम आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है आप उसको यूज कर सकते हो। और बेटा लेंस आपका एयर का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। सो एनी ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया कैन बी यूज टू डिजाइन और मेक द लेंस बेटे। देन बेटे प्रॉब्लम नंबर 22, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। 22nd है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज बेटे 4/3। और यस, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगा लीजिए, न्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इट इज समथिंग लाइक दिस, और ये आपके पास 1/4/3 आ जाएगा, और इट विल बी 3/ ठीक है। ट्वेंटी थर्ड है
द इमेज फॉर्म बाई द कंकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट द ये सिक्स्थ वाला केस आपका बन जाता है जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को बिठा जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में किसी भी प्लेस पे आप प्लेस कर देते हो तो ये आपका वर्चुअल बन जाता है. इसी पोजीशन को आप बेटा एज मैग्नीफायर और मैग्नीफाइंग टूल भी यूज करते हैं और यही आपके सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल भी है बेटा. कौन से वाला कह रहे हो आप? मैं लेंस की बात कर रहा हूं. अदरवाइज अगर आप लेंस में प्लेस करोगे ना तो वो आपका बेटे सिंपल माइक्रोस्कोप का केस भी बन जाएगा. सो इसके बाद आपके पास बेटे बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 23 के बाद. लेट अस फोकस. बेटा दिस बॉय बेटा आप प्लीज स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन करिए. इसको एक्सप्लेन करिएगा जरा. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/4. आपको कह रहा हूं पुत्र. यस आप पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 है. पीछे वो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इंटू वॉटर हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3. हाँ जी वेरी स्ट्रेंज. ध्यान दीजिएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वॉटर आपको निकालना है. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा. लेकिन यहाँ पे आपको जो डिफाइनिंग फॉर्मूला है उसका पता होना बहुत जरूरी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी अपॉन बी के बराबर हुआ करता है और बिकॉज हमें वी निकालना है v will be c upon mu बेटा. ये आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजीली आ जाएगा. इन एडिशन टू दिस बेटा मैं एक स्टेप इससे आगे चल रहा हूं. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. कई बार वेवलेंथ की टर्म्स में आपको कुछ पूछा जा सकता है. आपका c जो है न्यू इंटू लेमडा के बराबर हुआ करता है और आपका जो v है ये न्यू इंटू लेमडा डैश के बराबर हुआ करता है. ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा. लेमडा बाई लेमडा डैश के बराबर आप इसको यूज कर सकते हो. स्नेल्स लॉ बेटे क्या है? स्नेल्स लॉ व्हाट इज स्नेल्स लॉ? अब आवाज नहीं आएगी. बैठ जाओ. साइन आई साइन आर इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये 1/sin c के बराबर भी होता है. कॉची इक्वेशन आप कल कर रहे थे a b बाई लेमडा स्क्वेयर ये भी होता है. सारे म्यू ही है ना ये. ध्यान दीजिएगा. अब आप इनको सबको अगर आप कंपेयर करोगे आपको ये एक ब्रॉड इक्वेशन मिल जाता है. इस इक्वेशन की हेल्प के साथ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर काफी ज्यादा ग्रिप हो जाएगा अगर आप इसको अपने माइंड में रखोगे. कई बार हमें एक चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करने के बाद कोई पर्टिकुलर पैरामीटर चाहिए होता है तो आप अकॉर्डिंगली इसको यूज कर सकते हैं.
मैं डायरेक्टली कोई इसका न्यूमेरिकल तो नहीं आपको कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी जरूरत पड़े आप इन पैरामीटर्स को इस हिसाब से सोचकर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या अदरवाइज क्वेश्चन का जवाब जो है वो दे सकते हैं, राइट। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये चार डायग्राम्स बना रहा हूं रे डायग्राम्स, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, वन और सेकंड, थर्ड वन, इसको अगर करेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, यस फोकस में से पास करना चाहिए, अगर कोई आपका रे फोकस में से पास करेगा तभी पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन चला जाएगा, तो दैट्स वेल नोन टू यू, दैट्स समथिंग वेरी फाइन। क्वेश्चन नंबर 40, आराम से बैठ जाओ, कितना काम करना है, आप तंग मत होइए। फोर्टीथ है बेटा, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली, द कलर ऑफ द लाइट एट पोजिशन नंबर 5, BIBGYOR, सिंपली आप अडॉप्ट कर लीजिए आपको कलर मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 44, इन विच केस नो डिस्पर्शन विल टेक प्लेस व्हेन द साइन लाइट पासिस थ्रू इट, इट इज द केस ऑफ द ग्लास स्लैब, इट विल वर्क एज सच। क्वेश्चन नंबर 45, आपको आता है पेपर सारा, आता है, ठीक है फिर बंद कर दो, कभी आप कहते हैं आता, कभी कहते नहीं आता, अच्छा आप इंटेलिजेंट हो गए, देखो फिर 45 फ्यू क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट देख लीजिए बेटा। A convex lens of focal length 1 meter, convex lens है, focal length इसकी 1 meter है, is placed in contact with an other concave lens of equal focal length, आपको एक concave lens दिया गया है, इसकी focal length भी 1 meter है, negative लेनी पड़ेगी हमें, concave है, focal length of the combination is required, ये मीटर में है, stand up, explain your answer, बेटा all of you listen very carefully, एक बार फिर से explain कर दीजिए इनको पता नहीं चला, इसकी पॉजिटिव आ गई पावर, बिल्कुल आ जाएगी, पावर कॉम्बिनेशन की जीरो आ गई, गुड, बिकॉज पावर जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉम्बिनेशन है ये रेज को फोकस नहीं कर पा रहा है, और अगर फोकस नहीं कर पा रहा है इसका मतलब है कि इंफिनिटी पे फोकस हो रही है, आपके कॉम्बिनेशन की पावर इनफाइनाइट आ जाएगी, और अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कैलकुलेट करना चाहें
इसकी पावर लेंस की जो है पी वन आप कह लीजिए, इट विल बी इक्वल टू वन डायोप्टर मीटर्स में है। इसकी पावर पी टू जो है माइनस वन डायोप्टर, कॉम्बिनेशन की पावर पी वन प्लस पी टू करिए वन डायोप्टर, दिस इज जीरो डायोप्टर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन कैसे निकालें, अब ये पावर तो आ गई है, आप ही बोल दो, आप ही बोल दो, कोई बात नहीं। वन बाई कितना हुआ, कैसे बैठे रहो बैठे रहो। एफ आपका रेसिप्रोकल ऑफ द पावर होगा, बिकॉज आपका फोकल लेंथ मीटर्स में है बेटा, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आपकी एफ जो है इट विल बी वन अपॉन जीरो एंड समथिंग बाई जीरो इज इनफाइनाइट। ये मैथमेटिकल वे है आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट बेटा, भूलिएगा मत। और सिंपल सी बात एक अपने माइंड में रखिएगा, अगर फोकल लेंथ मीटर्स में है तो पावर वन बाई एफ डायोप्टर होगा, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में इट विल बी हंड्रेड बाई राइट। देन आपको बताना है कि मिरर के केस में कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है, तो इसमें सिंपली मिरर फॉर्मूला आपका आ जाएगा, इट इज टू अपॉन आर, गुड, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू टू अपॉन आर, इट विल बी करेक्ट। आर आपका ट्वाइस एफ के बराबर होता है, आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। ग्लास स्लैब 47 क्वेश्चन में है दिया हुआ आपको, इन रिफ्रैक्शन टू द ग्लास स्लैब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक मिनट होल्ड करिएगा, आपको ये एक ग्लास स्लैब दिया गया है, ये ऐसे आ जाता है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इन रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये गलत है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ए, इसमें एंगल ए है ही नहीं है, एंगल आर इज मोर देन एंगल आई, ये भी ठीक नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जामिनर ने इतना स्टेटमेंट दे दिया कि ये क्वेश्चन है, इन द एंड उन्होंने एक लाइन लिख दी कि इसको ग्लास स्लैब को ग्लास का मटेरियल रिमूव करके एयर से फिल किया गया है, इसके राउंड अबाउट ग्लास को एडजस्ट किया गया है, मतलब ग्लास के अंदर एक स्लैब की फॉर्म में एयर का कैविटी है। अब कौन सा करेक्ट होगा रिलेशनशिप, आपने ग्लास की जगह पर एयर कर दिया, एयर की जगह पर ग्लास कर दिया, बेलदा से, हाँ जी पुत्र, वो तो बराबर ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज आपकी सर्फेसिस पैरेलल हैं, एंगल आर इज ग्रेटर देन आई, वेरी नाइस, इसको याद रखिएगा। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आपने कन्वेक्स लेंस को एयर का बना दिया, उसके राउंड अबाउट ग्लास कर दिया, व्हाट विल इट बिहेव लाइक,
कन्वेक्स लेंस के अंदर एयर फिल कर दिया, ग्लास निकाल दिया और सराउंडिंग्स में ग्लास रख दिया, एयर हटा दिया, व्हाट विल दिस बिहेव लाइक?